हाय दोस्तों, साळुंके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त मनोहर साळुंके आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने पास ये LG का LED आया है। तो दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट है इसका ऑडियो सिस्टम का, जो इसमें ऑडियो आता नहीं। और जो पिक्चर है, पिक्चर क्लियर दिखता है, सब ओके चलता है, खाली ऑडियो आता नहीं। दोस्तों, ये सेट को कोई तो भी मैकेनिक ने ट्राई करके देखा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल था, ये कॉइल निकाला हुआ है। और दोस्तों, ये IC इधर भी हीट मारा है दोस्तों। तो दोस्तों, ठीक है, अपन इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट निकलता है या नहीं निकलता है, ये भी करेंगे। ये फॉल्ट नहीं निकला तो अपने पास ऑप्शन भी है, अपन ऑडियो मॉड्यूल ऑप्शनली लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें भी अच्छा क्वालिटी आता है। लेकिन पहले दोस्तों, मैं इसको सब चेक करके लेता हूँ, सब वोल्टेज चेक करके लेता हूँ, और ये बनता है या नहीं बनता, IC अच्छा है नहीं अच्छा है, माइक्रोन अच्छा है नहीं अच्छा है, ये सब देख लेते हैं दोस्तों। इसका पिक्चर क्लियर है तो अपन ऑडियो कहाँ से भी ला सकते हैं दोस्तों। चलो ठीक कर, इसको पहले मैं अभी चेक करके लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अपन देख सकते हैं यहाँ पे 24 वोल्ट है, मीटर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 24 वोल्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, और यहाँ पे दोस्तों है 3.1 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। दोस्तों, इसका जो IC का जो वोल्टेज है, ये सब क्लियर वोल्टेज है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों, IC ख़राब है, IC बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। चलो दोस्तों, आप हमने तो अभी ये तो देख लिया दोस्तों कि ये जो वोल्टेज है, इसका पल्सेस है, सब क्लियर है, यहाँ पे कॉइल भी नहीं है, तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपन इसको मॉड्यूल जोड़ लेंगे और इसका ऑडियो चालू कर देंगे। दोस्तों, आज अपन सीखेंगे अब इसका जो ऑडियो बोर्ड है, सेपरेट ऑडियो बोर्ड कैसा जोड़ने का है, बहुत ही आसान है जोड़ने का, ठीक है। चलो, आप उन वोल्टेज चेक करके लिए अभी मॉड्यूल जोड़ के लेते हैं, ओके। अपन ने ये जो ऑडियो बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड अपने पास अवेलेबल है, ये देख सकते हैं, ये ऑडियो बोर्ड है दोस्तों। ये ऑडियो बोर्ड का नंबर है CA/3110। दोस्तों, ये 30 वाट का ऑडियो बोर्ड है, ये LCD LED को चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। इसमें देखिए, देख सकते हैं अपन, ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें कि DC 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चलता है दोस्तों, 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो स्पीकर का जो वेटेज है, वेटेज देख के अपन इसमें वोल्टेज दे देंगे और ये ऑडियो बोर्ड लगा के चालू करके आपको दिखाने देंगे। दोस्तों, ये जो बोर्ड है, ये है 24 वोल्ट का, तो आप हम इसको दे देंगे खाली 12 वोल्ट दे देंगे। चलो ठीक है, तो अपन इसको पहले फिट करके लेते हैं, बाद में देखते हैं वायरिंग कैसा करने का है, ठीक है। दोस्तों, ये देखिए, हम ऑडियो बोर्ड जोड़ने जा रहे हैं, अभी अपन इसको स्पीकर के वायर लगा लेते हैं, बाद में जो है वोल्टेज वायर लगा लेते हैं। चलो दोस्तों, हमने अभी ये देख सकते हैं स्क्रू में हमने इसको बोर्ड को फिट करके लिया। दोस्तों, इसमें जो 24 वोल्ट का जो बोर्ड है, इसमें भी 24 वोल्ट IC को आ चुका है दोस्तों। लेकिन हमको जो ये बोर्ड को है, हम इसको 24 वोल्ट नहीं देंगे, ये बोर्ड को 24 वोल्ट नहीं देंगे दोस्तों, इसमें खाली अपन 12 वोल्ट देंगे, ताकि अपना बोर्ड जल्दी जले ना, जल्दी ख़राब ना हो सके, ये दे सकते। ये देखिए दोस्तों, ये है 24 वोल्ट का जो वायर है, इसमें 12 वोल्ट देंगे और एक ग्राउंड दे देंगे, और इसमें से अपन ऑडियो सिग्नल ले लेंगे। दोस्तों, ऑडियो सिग्नल मैंने अभी चेक करा, ये IC से ये IC को पास नहीं होता है, क्योंकि ये IC जो है बहुत ज़्यादा गर्म होके ख़राब हो गया, और इसमें जो सिग्नल आने वाले थे वो सिग्नल ब्रेक हो गए। तो दोस्तों, हमने ढूंढ लिया है, जो अपन ऑडियो वीडियो को जो हम पिन लगाते हैं, तो ऑडियो का जो सिग्नल है, ये देख सकते हैं अपन दोस्तों, ये सेट में, ये दिखे ज़रा, ये सेट में ये है C520 और C521, ये दो कैपेसिटर है। कैपेसिटर के इस हिस्से को, ये जो ऑडियो पिन है, इसका सिग्नल आ चुका है दोस्तों। तो अपन, हम जो ये बोर्ड को सिग्नल देंगे, ये सिग्नल यहाँ से देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप, ठीक है दोस्तों, हम अभी इसको वोल्टेज देने का है, 12 वोल्ट कहाँ से निकलता है ये चेक करके लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, मैं अभी मल्टीमीटर देख लेता हूँ, LCD भी अपना ऑन हो चुका है दोस्तों। अभी LCD जो ऑन हो गया, तो वोल्टेज देख लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं,
ये है 24 वोल्ट और ये है सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अपन 12 वोल्ट हम इसको 12 वोल्ट दे देंगे और ये जो ग्रीन वायर है ये कॉमन न्यूट्रल कर देंगे और इसमें से जो दोस्तों इसमें से अपन ऑडियो इन करके लेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों हमने अभी ये जो ऑडियो बोर्ड है ये फिट करके लिया, उसकी वायरिंग भी करी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वायरिंग कैसी करे करके। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं डीसी पे सेट करके लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे यानी 12 वोल्ट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुका है, मीटर में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉप लगाया 12 वोल्ट आ चुका है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आर प्लस, यहाँ पे माइनस एल प्लस, यहाँ पे ऐसा है दोस्तों यहाँ पे जो लिखे हुआ है यहाँ पे ऐसा है। तो यानी राइट वाला स्पीकर और लेफ्ट वाला स्पीकर ऐसा है दोस्तों। यहाँ पे माइनस वाला वायर जोड़ दिया, प्लस वाला जोड़ दिया, स्पीकर के चारों वायर जोड़ दिए। यहाँ पे भी दोस्तों ग्राउंड भी दे दिया 12 होल्ड भी दे दिया है दोस्तों। और यहाँ से देख सकते आप उनने यहाँ आप हमने ये वायर से यहाँ से सिग्नल भी ले लिया दोस्तों। तुम अभी देख सकते हो, ये देखिए मैं अभी इसको चालू करके वीडियो ऑडियो लगाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें ऑडियो आ चुका है दोस्तों, एकदम जो है अपना बोर्ड एकदम सही हो चुका है दोस्तों, कुछ भी झंझट वाली बात नहीं है दोस्तों। और बोर्ड लगाना भी बहुत आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, खाली वोल्टेज क्लियर देना है दोस्तों और वायरिंग क्लियर करना है, अपना सेट चालू हो जाता है दोस्तों। आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो भी आ गया और वीडियो भी अच्छे से आ गया। चलो दोस्तों हम अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों एकदम पिक्चर अपना पहला भी क्लियर था, ये ऑडियो भी क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने अभी ये ऑडियो बोर्ड लगा के अपना सेट ओके कर दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल चालू हो गया और बहुत बहुत सालों तक ख़राब भी नहीं हो सकता दोस्तों। चलो दोस्तों हमने बोर्ड भी अच्छा सा फिट कर लिया, वायरिंग भी अच्छी सी कर ली, बोर्ड भी अच्छा बिठा दिया, वोल्टेज भी क्लियर दे दिया है दोस्तों। बहुत दिन तक ये बोर्ड ख़राब भी नहीं हो सकता, हीट भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको 24 के बदले 12 वोल्ट दे दिया है दोस्तों। स्पीकर भी अच्छे से चालू हो गए, सेट भी क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अच्छे अच्छे वीडियो डालते जाएंगे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका कुछ बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो देख के जो फॉल्ट फाइंडिंग और निकाल सकते हो, कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए दोस्तों। थैंक यू, गुड डे।